हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कुणाल 404। सो गाइस, इस वीडियो में आज आप देखेंगे किस तरह से आप कार्ड ओवर इफेक्ट बना सकते हो HTML और CSS के थ्रू। अगर आपको कार्ड ओवर इफेक्ट यूज़ करना नहीं आता है, सो गाइस इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को लाइक करना ना भूले, कमेंट और शेयर भी करें। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ जाकर सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। गाइस चलते हैं अपने VS कोड पे, आज हम इसे ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको VS कोड पे आ जाना है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, HTML का एक स्ट्रक्चर बनाना है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे HTML का एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। देन उसके बाद गाइज आपको इंटरनल CSS भी यूज़ करनी है, जिसमें आप थोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो सिंपली गाइज मुझे 4 कार्ड का यूज़ करना है, तो मैं डिव बॉक्स क्लास के नाम से एक कार्ड बनाऊँगा। आप यहाँ कार्ड भी लिख सकते हैं, मैं कार्ड लिख लेता हूँ। इसी तरह से गाइज मैं इसे कॉपी 4 बार पेस्ट कर दूंगा। देन इसे थोड़ा कस्टमाइज करने के लिए मैं डॉट बॉक्स या डॉट कार्ड, उसके बाद मैं इसमें वेट दे दूंगा गाइज 200 पिक्सल और हाइट दे दूंगा गाइज 200 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे दूंगा गाइज लाइट ब्लू। अब मैं इसे थोड़ा रन करा के देखूंगा किस तरह से दिख रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो, 1 मिनट इसे मैं थोड़ा कमेंट में धर देता हूँ। गाइज ये मेरी इमेज लिंक है, मैं इमेज यहाँ से यूज करूंगा कार्ड के लिए। तो इसे थोड़ा मैं कमेंट में धर देता हूँ, क्योंकि ये जो है इस पर विजिबल हो रही है। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे मेरे कार्ड आ चुके हैं। देन अब मैं चाहता हूँ इसे वर्टिकली दिखाना, तो आपको गाइज क्या करना होगा, बॉडी टैग का यूज़ करना है। सिंपली गाइज आपको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है, ताकि जो मेरा कार्ड है वो सारे सेंटर में आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो वर्टिकली और सेंटर भी आ चुके हैं। देन उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कार्ड है वो थोड़े बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो सिंपली गाइज आपको बॉडी वाले टैग में ऊपर आपको मार्जिन दे देनी है टॉप से 20 VH। आप कितनी भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे 20 VH दे सकता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो सेंटर में थोड़ा सा सेंटर आ चुका है। तो गाइज अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कार्ड है उनके साइड से थोड़ा स्पेस हो जाए, भिड़ के आ रहे हो एक साथ। तो सिंपली गाइज मैं यहाँ मार्जिन राइट का यूज करूंगा 30 पिक्सल। तो जैसा कि देख सकते हो गाइज यहाँ पे स्पेस हो चुका है, इन सभी कार्डों के बीच में स्पेस हो चुका है। देन उसके बाद गाइज अब कार्ड में मैं इमेज का यूज करूंगा। तो सिंपली गाइज सबसे पहले मैं इमेज टैग का यहाँ लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से, हमें इसका कुछ काम नहीं है, इसे हटा देता हूँ। देन उसके बाद इमेज टैग एक और लगा लेता हूँ दूसरे कार्ड में, इसे हटा देता हूँ। उसी तरह से आपको और भी कार्ड में इमेज टैग का यूज कर लेना है कुछ इस तरह से। देन उसके बाद गाइज आपको इसमें इमेज एड्रेस को डालना है, या तो आप इमेज को सेव करके अपनी फाइल में वहां से फेच कर सकते हो, नहीं तो गाइज आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन उसे कॉपी एड्रेस के थ्रू आप उसे फेच कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से इमेज का लिंक यहाँ लिखा हुआ है, मतलब पेस्ट करा हुआ है। इसी तरह से गाइज अगर आप चाहते हो और भी इमेज लगाना, तो सिंपली गाइज आपको पिक्सल वाली वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ से आप और भी इमेज ले सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज सबसे पहले मैं इस पहली इमेज, पहले कार्ड के लिए पहली इमेज का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लूँगा। देन कॉपी करने के बाद गाइज सिंपली उसे मैं पहले वाले कार्ड पे पेस्ट कर दूँगा इमेज टैग के अंदर SRC एट्रीब्यूट में। इसके बाद गाइज वेट भी मुझे देनी है, ताकि जो मेरा कार्ड है उसकी जो वेट है 100% होनी चाहिए अपने पेरेंट की, और जो उसकी हाइट है वो भी 100% होनी चाहिए अपने पेरेंट की। इसी तरह से गाइज आपको यहाँ पे इमेज लिंक लगाना है। मैं दूसरे कार्ड के लिए इमेज ले लेता हूँ और इसे यहाँ लगा लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली गाइज मैं यहाँ पे वेट भी यूज़ करूँगा, वेट एट्रीब्यूट का, जिस तरह से मैंने पहले वाले कार्ड पर यूज़ किया है कुछ इस तरह से। हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ कर लूँगा। इसी तरह से गाइज मैं अपने थर्ड वाले कार्ड के लिए भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इमेज एड्रेस और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ SRC एट्रीब्यूट में। आप चाहे तो सिंगल कार्ड भी बना सकते हो, मैं 4 कार्ड यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। तो सिंपली गाइज आपको हाइट दे देनी है 100% और यहाँ भी कुछ इसी तरह से आपको इमेज का लिंक लेना है।
और SRC एट्रीब्यूट में पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। देन उसके बाद मैं यहाँ पे भी वेट एट्रीब्यूट का यूज करूंगा कुछ इस तरह से, और हाइट का भी यूज करूंगा कुछ इस तरह से। देन गाइज आप देख सकते हो, अब मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ तो जो मेरी इमेज है वो आ चुकी है। अब मैं इसमें होवर इफेक्ट लगाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जब मैं कार्ड पे कर्सर लेके जाऊँ वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाए, जितने भी कार्ड पे मैं कर्सर लेके जाऊँगा वो थोड़े से नीचे की तरफ हो जाए। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, कार्ड पे होवर इफेक्ट लगाना है। तो होवर इफेक्ट किस तरह से लगता है, आपको सबसे पहले कार्ड जो क्लास आपने नाम दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्ड यूज़ करा है तो मैं क्लास का नाम पहले इन्वोक करूंगा। देन उसके बाद आपको कोलन लगाना है, उसके बाद आपको होवर लिख देना है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगा देने हैं। देन उसके बाद गाइज आप देखोगे, मैं चाहता हूँ कि कार्ड, जब मैं कार्ड पे होवर करूँ तो थोड़ा सा नीचे हो जाए। उसके लिए गाइज आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और ट्रांसलेट करना है उसे वाई एक्सिस पे, नीचे की तरफ करना है। तो गाइज मुझे यहाँ पे 20 पिक्सल लिख देना है। तो आपको मैं रिलोड करके दिखाता हूँ, जब मैं इस पे यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये 20 पिक्सल नीचे की तरफ एडजस्ट हो रहा है, जैसे कि देख सकते हो नीचे की ओर जा रहा है। तो ये मैंने होवर इफेक्ट लगा दिया। अगर मैं चाहता हूँ बॉक्स शेडो लाना तो सिंपली गाइज आपको बॉक्स शेडो वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, उसमें आपको कह देनी है 20 पिक्सल। सिंपली गाइज आपको 20 पिक्सल का यूज करना है, और देन उसके बाद गाइज आपको RGB देनी है। मैं RGB कलर वैल्यू का यूज करूंगा, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कलर है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, क्योंकि जो मेरी बॉक्स की जो परछाई होगी, शेडो होगी, वो थोड़ी लाइट होनी चाहिए। तो सिंपली गाइज कुछ इस तरह से आप लिख देंगे वैल्यू, यहाँ मैं 0.5 लिख दूंगा। तो गाइज अब मैं आपको रन रिलोड करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हो गाइज पीछे से शैडो आ रही है। इसी तरह से गाइज आप देख रहे होंगे जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कितनी फास्टली ये होवर होके आ रहा है। तो इसकी आपको स्पीड को कंट्रोल करना है तो सिंपली गाइज आपको ट्रांजिशन यूज करनी होगी प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, उससे अब मैं यहाँ पे टाइमिंग दे देता हूँ 0.3 सेकेंड मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। तो जिस तरह से मैं रिलोड करके दिखाता हूँ जब मैं इस पर होवर करूंगा, तो गाइज आप देख सकते हो जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो कितनी स्लोली अभी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं होवर हटा रहा हूँ, मतलब इस पे से कर्सर हटा रहा हूँ, तो कितनी फास्टली ये जा रहा है। तो सिंपली जब मैं कर्सर को हटा रहा हूँ तो फास्टली नहीं जाना चाहिए, उसके लिए स्लो स्पीड होनी चाहिए। तो सिंपली गाइज आपने यहाँ पे कार्ड के लिए होवर इफेक्ट लगाया था, ट्रांजिशन आपने यहाँ दी थी, लेकिन आपको एक और ट्रांजिशन द्वारा इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पहले वाले कार्ड पे पेस्ट कर देनी है, जो कि आपने कार्ड के लिए होवर इफेक्ट लगाया। तो सिंपली कार्ड वाली क्लास पे आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पेस्ट कर देनी है। तो गाइस आप देखोगे जब मेरा होवर इफेक्ट अप्लाई होगा तो ये बहुत स्लोली आ रहा है, जब मैं इस पे से कर्सर हटाऊंगा मतलब होवर आउट करूंगा तो ये बहुत स्लोली जा रहा है। तो हमने क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अपनी कार्ड वाली क्लास में दे दी है। सिंपली गाइस अब मैं चाहता हूँ कि जो अब इसके ऊपर जब मैं होवर करूँ तो सिंपली एक जो स्लाइड होके या नीचे से स्लाइड होके एक कंटेंट आ जाए। तो सिंपली गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले एक वाले कार्ड पे यूज करना है, एक कार्ड पे यूज करके देखना है। स्पैन टैग में लगाऊंगा, स्पैन टैग लगाने के बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पे स्पैन टैग लिखना है, उसे कॉल करना है। देन उसके बाद आपको इसकी पोजिशन दे देनी है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब ये चाइल्ड बन चुका है और मैं कार्ड को इसके पेरेंट बना देता हूँ। तो सिंपली गाइज मैं कार्ड को पेरेंट बनाने के लिए यहाँ पे पोजिशन कर दूंगा रिलेटिव। इससे क्या होगा गाइज, जो मेरा स्पैन टैग है वो जो मेरा कार्ड है वो उसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ वेट दे देता हूँ 100% और हाइट दे देता हूँ 100% और इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ RGB है, जो कि मैंने यूज किया है। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो टॉप से 0 हो जाए और लेफ्ट से 0% हो जाए कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो गाइस बिल्कुल ही इसी के ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना जो स्पैन टैग है उसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है इसी के ऊपर। पोजीशन आपको एब्सोल्यूट देना नहीं भूलना है, थोड़ा सा मैं इसे डार्क चाहता हूँ तो डार्क भी कर सकते हो। सिंपली गाइज आपको यहाँ से वैल्यू बढ़ा देनी है 0.8, तो थोड़ा सा जो डार्क हो जाएगा। देन उसके बाद गाइज अब मैं चाहता हूँ जो मेरे स्पैन टैग है उसमें थोड़ा सा कंटेंट आ जाए। सबसे पहले मैं HR टैग का यूज़ करूँगा, उसके नीचे मैं हेडिंग का यूज़ करूँगा। आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ डिज़ाइन यहाँ पे दे देता हूँ डिज़ाइन, या ब्लॉग पोस्ट वन कुछ इस तरह से। देन उसके बाद आपको फिर से HR टैग का यूज़ करना है। HR क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको, अगर चाहते हो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हो तो आप HR टैग का यूज़ करोगे। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कुछ कंटेंट लाना तो आप P टैग का, पैराग्राफ टैग का यूज़ करोगे कुछ इस तरह से।
या मैं पैराग्राफ टैग का यूज़ कर लूँगा। देन उसके बाद मैं अब कुछ बटन भी लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, बटन यहाँ यूज़ करना है, भी बटन टैग लगा के उसमें लिख देना व्यू मोर, तो आपको इसमें स्पेस दे देना है, यहाँ थोड़ा सा इसे बड़ा कर देना है कुछ इस तरह से। देन आप देखोगे गाइज इसके ऊपर जो है मेरा कंटेंट आ चुका है। अब मैं इसका थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ, तो सिंपली गाइज आपको सबसे पहले S3 टैग को उसका जो कलर है उसे कर देना है वाइट। वाइट करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, इसी तरह से पैराग्राफ टैग में जो कंटेंट है उसका जो कलर कर देना है वो भी वाइट कर देना है, और जो मेरा कार्ड है उसमें आपको जितना भी जो कंटेंट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट अलाइन हो जाना चाहिए सेंटर कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो गाइज जो मेरा सेंटर में आ रहा है, लेकिन मैंने होवर इफेक्ट में लगा दिया। आपको सिंपली कार्ड वाली क्लास में देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप देख सकते हो गाइज जो मेरा कंटेंट है अब वो सेंटर में आ रहा है परफेक्टली। आप यहाँ पे गाइज फंड फैमिली का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे फंड फैमिली यूज कर लेता हूँ एरियल, यहाँ मैं एरियल वाली फंड फैमिली का यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा जो मेरा फंट है वो स्टाइलिश हो जाएगा कुछ इस तरह से। देन आप देख सकते हो गाइज जो मेरी पैडिंग भी आनी चाहिए, जो मेरा कंटेंट वो ज्यादा लिखा हुआ है। सिंपली गाइज मैं क्या करूंगा, जो मेरे कार्ड की जो वेट है ना वो थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा 220 कुछ इस तरह से। जो मेरी कार्ड की जो वेट है वो बढ़ चुकी है गाइज, थोड़ी सी और कार्ड की वेट बढ़ा देता हूँ मैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो गाइज कार्ड की जो वेट है वो बढ़ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ गाइज जब मैं इस पे होवर करूँ जो ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसके ऊपर थोड़ी सी नीचे से स्लाइड होके ऊपर आनी चाहिए। तो सिंपली गाइज सबसे पहले आपको ये वाली जो ब्लैक स्क्रीन है उसे थोड़ा नीचे एडजस्ट करना है। तो उसके लिए गाइज आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगानी होगी, जिसमें आपको ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे करना होगा। आपको कह देना होगा ये जो मेरा टोटल साइज है 200 पिक्सल का है, तो सिंपली गाइज आपको 150 पिक्सल या 180 पिक्सल नीचे कर देना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो ये कुछ ज्यादा नीचे चला गया, थोड़ा सा ऊपर कर देना गाइज 150 मुझे गाइज, और थोड़ा ऊपर चाहिए 120 कर देता हूँ गाइज। तो आप देख सकते हो ये इतना बहुत है, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना सही लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ गाइज जब मैं इस पर होवर करूँ ये थोड़ा सा ये जो ब्लैक स्क्रीन है ऊपर से स्लाइड हो जाए तुरंत। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, आपको स्पैन टैग में भी होवर इफेक्ट लगाना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको डॉट कार्ड लिखना होगा, देन आपको होवर इफेक्ट लगाना है जिसमें जो स्पैन टैग है वो मेरा मूव हो जाए, मतलब वो रिएक्ट करे एकदम से जब मैं इस पर होवर इफेक्ट करूँ, जो ब्लैक स्क्रीन है वो तुरंत ऊपर आ जाए। तो सिंपली गाइज आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करना है, उसमें आपको ट्रांसलेट कर देना है 0 पिक्सल। अब जैसे मैं यहाँ पे इस पे कर्सर ले जाऊंगा तो आप देख सकते हो ये जो मेरी ब्लैक स्क्रीन है वो बिल्कुल इसके परफेक्टली ऊपर आ रही है, स्लाइड होके आ रही है ऊपर। तो अब मैं इसकी जो स्पीड है उसे भी कंट्रोल करना चाहता हूँ, सिंपली गाइज आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करना होगा कुछ इस तरह से। तो आप कितनी भी दे सकते हो, मैं यहाँ दे देता हूँ 0.8 सेकेंड या मैं 5 सेकेंड दे सकता हूँ गाइज। इसी तरह से गाइज ये तो मेरा हो गया कि जब मैं होवर करूंगा ये स्लोली आएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हो गाइज। लेकिन जब मैं कर्सर को हटा रहा हूँ तो बहुत स्पीडली जा रहा है। तो सिंपली गाइज आपको इसी को कॉपी करना है, जहां आपने स्पैन टैग का यूज किया है उसे यहाँ पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। तो आप देखना गाइज जब मैं इस पे कर्सर को ले जाऊंगा तो बहुत स्लोली आ रहा है कुछ इस तरह से, देखना जब मैं कर्सर को इस पे ले जा रहा हूँ बहुत स्लोली आ रहा है, और जब मैं कर्सर को हटा रहा हूँ बहुत स्लोली जा रहा है। तो गाइज कुछ इस तरह से आप होवर इफेक्ट का यूज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ जो मेरे स्लाइड है, जैसे कि आप देख रहे थे मेरे उसमें कार्ड होवर में ये जो ब्लैक स्क्रीन है वो दिख नहीं रही थी, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है नीचे जाते हुए। तो सिंपली गाइज अगर मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, सिंपली गाइज आपको क्या करना होगा, कार्ड वाली क्लास पे जाना है, उसमें आपको क्या करना है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करना है जिसमें आपको हिडन कर देना है। इससे क्या होगा गाइज जो कार्ड के जो बाहर जो भी ओवरफ्लो कर रहा होगा ऑब्जेक्ट वो हिडन हो जाएगा, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह से हाइड हो चुका है। अब जब मैं इस पे अपना कर्सर लेके आऊंगा कुछ इस तरह से, देखना गाइज ये होवर होके आ रहा है, स्लाइड ऊपर होके आ रहा है, स्लाइड अप होके आ रहा है, तो देख रहे हो गाइज। तो कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ बटन पे भी थोड़ा ओवर इफेक्ट लगाना, तो सिंपली गाइज आपको बटन लिखना होगा यहाँ पे, उसमें आपको ओवर इफेक्ट लगाना है, तो ओवर प्रॉपर्टी का यूज करना होगा कुछ इस तरह से। देन उसके बाद गाइज आपको क्या करना है,
मैं चाहता हूँ उसके बैकग्राउंड कलर जो है टमेटो हो जाए, और जो उसका पैडिंग है थोड़ी सी बढ़ जाए, तो पैडिंग बढ़ा देता हूँ गाइस 8 पिक्सल। अगर मैं पैडिंग 8 पिक्सल देता हूँ गाइस, देखता हूँ तो ये ठीक है। ओवर इफेक्ट यहाँ पे पैडिंग में थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। इसे कट करके बटन वाली प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, यहाँ से अलग से बटन बनाता हूँ, देन उसके बाद ओवर इफेक्ट का यूज़ करूँगा। पहले मैं यहाँ से बटन को इन्वोक करूँगा कुछ इस तरह से, देन उसके अंदर मैं पैडिंग का यूज़ कर लूँगा, और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी मैं बढ़ा दूंगा 15 पिक्सल, जिससे कि जो मेरा बटन की जो बॉर्डर रेडियस है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे मेरी बॉर्डर रेडियस बढ़ गई है। देन उसके बाद जब मैं इस पर ओवर करूंगा, इसमें भी थोड़ी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, तो सिंपली गाइज आपको ट्रांजिशन दे देनी है 0.3 सेकेंड, और इसी तरह से आपको ओवर वाले इफेक्ट में भी 0.3 सेकेंड ट्रांजिशन का यूज करना है कुछ इस तरह से। तो गाइज आप देख सकते हो ये मेरा परफेक्टली तैयार हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ तो ये स्लाइड अप हो के आ रहा है कंटेंट मेरा। इसी तरह से गाइज आपको अब कुछ यूज नहीं करना है, सिंपली गाइज जो आपने स्पैन टैग प्रॉपर्टी, जो भी आपने स्पैन टैग को कस्टमाइज किया था कार्ड वन में, उसी को आपको कॉपी करना है, देन उसी को सभी जितने भी कार्ड आपने यूज किए उसी के जस्ट अंदर पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने कार्ड टू में भी सेम स्पैन टैग यूज कर लिया है वहीं से कॉपी करके, और ब्लॉक पोस्ट टू कर दिया है। इसी तरह से गाइज आप यहां भी यूज कर लोगे हमारे थर्ड वाले कार्ड में, कुछ इस तरह से यहां पे पेस्ट कर दोगे, और यहां मैं लिख दूंगा ब्लॉक पोस्ट 3। देन उसके बाद उसी तरह से गाइज आप यहां भी यूज कर लोगे कार्ड 4 में, और यहां भी मैं स्पैन टैग को पेस्ट कर दूंगा, जो भी मैंने कस्टमाइज किया था कार्ड 1 में उसी को ही मैं कॉपी करके जस्ट सभी कार्डों में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रिलोड करके दिखा देता हूँ गाइज, आप देख सकते हो अब ये परफेक्टली बन चुका है मेरा ओवर कार्ड इफेक्ट। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो उसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, कमेंट और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।